और जैसे सेवा काफे जो गिफ्ट इकोनॉमी पे चलता है, यू आर पे फ्रॉम आवर हार्ट, तो मैं वहाँ से भी सीखा के चलो अपने भी ऑटो स्टार्ट करता है, तो वो माँ है जो खिलाने का काम करती है, ये उसका बेटा है जो घुमाने का काम करती है। नमस्ते, मेरा नाम उदय सी आर जादव है और लोग नाम से कम जानते हैं, लेकिन अभी अहमदाबाद नो रिक्शा वालों ऐसे नाम से लोग जानते हैं। तो जैसे मैंने ये स्टार्ट किया 2010 में स्टार्ट किया और आज देखते देखते 2020 आ गई, मालूम नहीं पड़ा 10 साल हो गया। तो जैसे बस ये ऑटो स्टार्ट किया, नाम दिया अहमदाबाद नो रिक्शा वालों, गिफ्ट इकोनॉमी, योर पे फ्रॉम आवर हार्ट, आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए पे करें, ऐसे पर्पस पर ये ऑटो चल रही है। और जैसे बस ये ऑटो चलाने का पर्पस यही है कि जीवन में अपने कुछ क्या दे सकते हैं, पैसा सर्वस्व नहीं है, लेकिन लव 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 ऑल सर्व ऑल, सबने प्रेम सबनी सेवा। तो मैंने बस ये जीवन में ठान लिया कि जीवन में अपने भी कुछ करना है किसी और के लिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है लेकिन किसी और के लिए जीना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे शहर अहमदाबाद में लोग हेरिटेज जो देखने के लिए आते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं, अतिथि देव भव, तो उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ, जैसे हार्ट है स्माइली है ऐसा मैं टैग लगाता हूँ। और जैसे भद्र फोर्ट है, श्री सैद मॉस्क है, रानी रूमती मॉस्क है, अटे सिंह टेम्पल है, गांधी आश्रम है, अडालत चैपल है, अक्षरधाम है, तो ये सब मैं लोगों को दिखाता हूँ। और जैसे गांधी आश्रम की मुलाकात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे गांधी जी के जो दो 11 व्रत थे, बस वो सत्य, अहिंसा, ट्रूथ, कंपैशन, तो बस मैंने वो सत्य को पकड़ा, गांधी जी जो काम कर रहे थे उससे मैं इंस्पायर हुआ। और जैसे गांधी जी का जो फिलोसॉफी पर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जीवन में अपने क्या दे सकते हैं। तो जैसे बच्चे लोग भी बैठते हैं तो बच्चे लोग को मैं चॉकलेट सर्व करता हूँ, उससे भी छोटा बच्चा है अगर उसकी मम्मी को परेशान करता है तो उसके लिए टॉयस रखा है ताकि उसकी मम्मी को परेशान न करें और घर जैसा आभास लगे। फिर ऑटो के अंदर कचरा पेटी बनाई है, कचरों मने आपो, फिर मैं उसका शाम को निकाल करता हूँ। लाइब्रेरी बनाई है, कोई भी नॉवेल्स अंदर रखता हूँ, बच्चे लोग बैठते हैं तो उनके लिए कॉमिक्स है, न्यूज़पेपर है एवरीडे, तो जैसे बस वो लाइब्रेरी अंदर बनाई हुई है। सॉफ्ट बोर्ड है, तो अंदर जैसे सॉफ्ट बोर्ड में कोई भी सूचना पूछना लिखनी हो तो लिख सकते हैं। फैंस है, रीडिंग लाइट्स है, सत्य ने प्रेम से बॉक्स बनाए तो उसमें पानी की मिनरल वाटर रखता हूँ, स्नैक्स नाश्ता रखता हूँ। पहले ऐसा था कि मैं बाहर से नाश्ता खरीदता था, अभी ऐसा हो गया कि मेरी वाइफ बना के देती है। मुझे संतोष है बस कि जो चटनी रोटी मिलता है उसमें भी संतोष होता है। और ये मैं श्रेय मेरी वाइफ को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मेरी वाइफ का सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, मेरे 3 बच्चे भी है। नो डाउट हर किसी को फैमिली के लिए, एंजॉयमेंट के लिए सब लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा भाव नहीं आता। वो भाव कब नहीं आता, मेरा बच्चा और मेरे वाइफ का सपोर्ट नहीं होता तो। इवन मेरे घर वाले भी मुझे पागल बोलते थे, इसके खिलाफ थे स्टार्टिंग में, तो अरे बोले क्या पागल जैसा धंधा करता है, बोले ये गांधी टोपी और खादी कुर्ता पहनने से कहीं थोड़ी घर चलेगा। मेरे पापा भी कोस रहे थे, सब लोग घर वाले भी कोस रहे थे, बोले क्या पागल जैसा धंधा करते हो, बोले तुम्हारा घर बर नहीं, घर क्यों इतना चलाओ छो, आते बोला चलाने वाला ऊपर वाला है, जीवन में श्रद्धा और भाव चाहिए। लेकिन मैं मेरे विश्वास पर अड़क था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि जीवन में कुछ करना है, बस वो ठान लिया। तो आज देखो देखते देखते आज अहमदाबाद नो रिक्शा वालों ऐसे जो नाम दिया है लोगों ने, तो ये सार्थक कर दिया मैंने। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। जैसे कई सारी सेलिब्रिटी आ गई, जैसे अमिताभ बच्चन जी आ गए, काजोल जी आए, चेतन भगत जी आए, आनंदीबेन पटेल हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने मुलाकात करी, जैसे ओम प्रकाश कोहली साहब जो यहाँ के गवर्नर साहब है उन्होंने भी मुलाकात करी। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, तो ये मेरे लिए बस मैं ये सोचता हूँ ये मेरा पैसा है,
बस। और मैं ऐसा सोचता हूँ, कई महानुभव आए, अभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि बस मेरी ऐसी इच्छा है कि बस सचिन तेंदुलकर जैसे महानुभव बाकी है जो क्रिकेटर जो दुनिया के टॉप है, तो बस मेरी भावना ऐसी है कि बस वो मेरी ऑटो में बैठे, ऐसी भावना है। अगर आप अहमदाबाद आते हो तो जैसे बस ज़रूर आइए, मेरा नंबर दिया हुआ है और मैं आपको हेरिटेज टूर और गाइड करूँगा। और जैसे अहमदाबाद आओ तो फाफड़ा ने जलेबी एवं खवड़ाऊँ ये मेरी इच्छा है। तो यू आर वेलकम टू अहमदाबाद एंड लव ऑल सर्व ऑल। मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि बस जीवन में पैसा सर्वस्व नहीं है, प्रेम भाव जरूरी है। लव ऑल सर्व, सौ ने प्रेम, सौनी सेवा, बस ये आपणो संदेश है। अने बस आ मैसेज लोगों सुधी फैलाय ये मेरी भावना है। जय हिंद, जय भारत।